अगेन वेलकम टू माय चैनल साइंस स्किल। फिर से आपका मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस बार लाया हूँ एसएससी सीएचएसएल सीएचएसएल यानी कि कंबाइन हायर सेकेंडरी लेवल एजुकेशन का जो अभी हाल फिलहाल में जिसका वैकेंसी आई हुई है उसका रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन। मैं रीजनिंग के बाद करूँगा मैथमेटिक्स का सेट, उसके बाद करूँगा इंग्लिश का, उसके बाद करूँगा जीके जीएस करंट अफेयर्स का सेट। तो बिल्कुल मेरे साथ जुड़े रहें सीएचएसएल की बिल्कुल बढ़िया से बेसिकली आप तैयारी कीजिए, सेट्स को देखिए, सेट मारिए, देन आपको बहुत फायदा होगा। तो चलिए रीजनिंग का मैं एक सेट लाया हूँ 25 क्वेश्चन का, स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए सीरीज का है और आप जानते होंगे एसएससी में सीरीज बहुत मायने रखता है। सीरीज का क्वेश्चन है 61 52 63 94 और 46, उसके बाद का क्या होगा। यानी कि सीरीज के क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि उसके पीछे वाले में हो क्या रहा होगा, उसके बाद हमको देखना पड़ता है। यानी कि पीछे वालों को जैसा हो रहा है वैसा ही काम आगे भी करना होता है। तो चलिए इसका देखते हैं कि इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे। अगर इस मेरे इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप क्वेश्चन को देखने के बाद खुद से अपने माइंड से माइंड लगाकर अपना दिमाग से सॉल्यूशन कीजिए, मेरे सॉल्यूशन को बाद में देखिए अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो। नहीं तो अगर क्वेश्चंस को आप देखिए देन आप उसको सॉल्यूशन करते जाइए तो आपको बहुत बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप सॉल्यूशन को नहीं कर पाते हैं, इसका हल नहीं आपसे हो पाता है, देन मेरा सॉल्यूशन को देखिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए फर्स्ट और थर्ड वाला यानी कि 61 था 52 था और 63 था, ये फर्स्ट का तीन टर्म था। पहले तीन टर्म्स यही दिया हुआ है तो हमने क्या किया कि पहले तीन टर्म में फर्स्ट एंड लास्ट को सम किया, 124 आया और अपने तरफ से दो से भाग किया आया 62 और 62 में 10 घटाने पे आ रहा है 52। यानी कि एक काम भी अपने तरफ से घटा रहे हैं और दूसरी बात कि दो से भी अपने तरफ से भाग कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो टर्म है 94 46 और यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे मान लिया x, तो यहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे, यहाँ 94 और x का सम करेंगे और अगर 94 और x का सम करेंगे और उसको दो से डिवाइड करेंगे तो इसमें भी 10 घटाने पर बीच वाला आना चाहिए, यानी कि बीच वाला बन जाएगा 46। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि तीन तीन का जोड़ा लगाए हैं यहाँ पे और तीन तीन का जोड़ा लगाए हैं और किनारे वाला का सम को दो से डिवाइड करने पे जो आ रहा है उसमें 10 घटाने पे बीच वाला मिल रहा है। तो 94 में x जोड़ें और दो से डिवाइड किए और उसमें से 10 घटाएंगे तो बीच वाले टर्म में 46 आना चाहिए और इसको आप सॉल्यूशन करेंगे तो x का वैल्यू 18 मिलेगा। यानी कि अब जो टर्म फुलफिल हो गया 61 52 63 उसके बाद 94 18 46 94 46 18। तो ये लास्ट का 3 और फर्स्ट का 3 आप देखेंगे तो दोनों चीज़ें सेम सेम हो रहा है। तो इस तरह से आप जानते हैं कि एसएससी का जो सीरीज है थोड़ा सा बहुत उलझन वाला देता है, तो बिल्कुल इसको बेसिकली आप प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरीज का ही है, ई एफ ए है, जी एच सी है, आई जे ई है। आप देख पा रहे यहां वाला क्वेश्चन को ई का नंबर होता है 5, जी का होता है 7 और आई का होता है 9। हो क्या रहा है कि सब में दो दो जोड़ा जा रहा है, ई से जी आने तक के दो जोड़े, जी से आई आने तक के दो जोड़े तो आई बना और आई से और दो आगे जाएंगे तो के बनेगा, यानी कि यहाँ पे बनेगा के ऑप्शन। तब तो के दो दो ठो ऑप्शन में है, दूसरा और चौथा में। तो चलिए और आगे देखते हैं, यहाँ एफ है, यहाँ पे एच है, यानी कि एफ होता है 6 नंबर पे और एच होता है 8 नंबर पे, इसमें भी दो जोड़ रहे हैं। अब ए होता है 8 नंबर और जे होता है 10 नंबर, इसमें भी दो जोड़ रहे हैं। उसी तरह से 10 में अगर दो जोड़ेंगे तो 12 और 12 पर होता है एल, दूसरा नंबर पे तो एल आ गया, तो इसलिए दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा के एल और जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है इंटेलिजेंस दिया हुआ है और हमें क्या कर रहे हैं कि चार ऑप्शन दिया हुआ है और बोल रहा है कि ऐसा कौन सा चार ऑप्शन है जिसमें से इससे नहीं बनाया जा सकता है। आप देख पा रहे होंगे जेंटल तो बन ही जाएगा क्योंकि जी है तो इसमें भी तो जी है, यहाँ पे ई है तो यहाँ भी ई है, यहाँ एन है तो यहाँ भी एन है, टी है तो टी है, एल है तो एल है, ई है तो ई है। यानी कि इससे तो जेंटल भी बन सकता है, इनसाइट भी बन सकता है, नेगलेक्ट भी बन सकता है, नेगलेक्ट भी बन सकता है, लेकिन कैंसिल नहीं बनेगा, सी ए एन सी एल ई इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे ए यूज हुआ है और इंटेलिजेंस में ए है नहीं, तो इससे कैंसिल नहीं बनाया जा सकता है। तो आप बिल्कुल पढ़ें इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन में लिया है कि कौन प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है, उसको आपको टिक करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैंसिल।
क्वेश्चन है, मोबाइल को लिखा जा रहा है कि ZAMSUM लिख रहा है, तो हमें सवाल है कि ट्यूमर ATUMOR को कैसे लिखेंगे। तो पहले हमको ऐसे सवालों में ये दोनों में रिलेशन फाइंड आउट करना रहता है कि आखिर इससे ये कैसे लिख रहा है। तो चलिए देखते हैं, अल्फ़ाबेट का नंबरिंग M का होता है 13, जेड का होता है 26, तो 13 से 26 आने में 13 आगे बढ़ाना पड़ेगा। O का होता है 15 और A का होता है 1, तो 15 में 12 जोड़ने पे आ रहा है 27, और 27 का मतलब हुआ कि 26 तक के तो जेड होगा और 1 आगे बढ़ेंगे तो नंबर A मिलेगा। फिर B का होता है 2 और 2 में इस बार 11 जोड़ेंगे, क्योंकि हो क्या रहा है, पहले 13 का अंतर हुआ, फिर 12 का, फिर 11 का, फिर 10 का, फिर 9 का, फिर 8 का, यानी कि अंत में E है और E से M कैसे आ रहा है, तो ये होता है 5 पे, इसमें 8 जोड़ रहे हैं तो 13, M 13 पे होता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि शुरू में 13 का अंतर है, फिर 12 का अंतर हुआ, फिर 11 का हुआ, ऐसे भी इसको भी लिख देंगे, तो टी में 13 जोड़ेंगे, तो टी का खुद होता है 20, इसमें 13 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 33, 33 में से 26 घटाएंगे, 26 इसलिए क्योंकि 26 तक के तो जेड है, तो यहाँ हो जाएगा 7 6 13, कितने हाथ में 1 और 2 और 1 3, यानी कि 7 बचेगा, तो 7 पे होता है जी, और शुरुआत जी से है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, क्योंकि और ऑप्शन में वैसा था नहीं जो जी से शुरुआत हो, तो जी 7 नंबर पे है तो दूसरा करेक्ट होगा, हमको पूरा चेक भी नहीं करना पड़ेगा, पूरा आंसर निकालना भी नहीं पड़ेगा, तो ऑप्शन से इतना जल्दी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का, देखिए कि इसमें भी हमको मिसिंग कैरेक्टर है कि कुछ दिया हुआ रहेगा और उसमें एक जगह क्वेश्चन मार्क्स रहेगा, उस पर क्या आएगा, तो आप देख पा रहे हैं कि 4 36 2 है, 307 है, 2 वाट और यहाँ पे 5 है। तो पहले आप हर एक में रिलेशन निकालिए कि इसमें इसमें क्या रिलेशन हो सकता है, तो इसमें आप रिलेशन देखेंगे तो 4 और 2 को जोड़िए 6 और 6 का स्क्वायर करने पे 36 हो रहा है, तो 3 और 7 को जोड़िए 10 और 10 का स्क्वायरिंग यहाँ पे है, तो 2 और 5 को जोड़ा 7 और 7 का स्क्वायरिंग देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित, देखिए इसमें अब डायग्राम्स वाला हो गया, तो डायग्राम वाला बोल रहा है कि यहाँ पे इसको फुलफिल करने के लिए, इस जो वैल्यू दे रहा है इसको फुलफिल करने के लिए कौन सा इस चारों ऑप्शन में से सही होगा, तो आप देख पा रहे होंगे अगर हम इसको लगाते हैं यहाँ पे तो हमें भी ऐसा चाहिए जैसे कि सब है, तो इसको फुलफिल होने के लिए 12 यहाँ पे भरना होना चाहिए, तो अब इसको अगर भरेंगे तो ऑप्शन नंबर हमें लगता है कि 1 ही होना चाहिए और बाकी इस ये तो इधर भंग होगा, इधर टाइप में ये होगा नहीं, दो डबल होगा नहीं, तो यहाँ पे जो खाली है ब्लैंक्स है इसको अगर फुलफिल करेंगे तो ये फिगर पूरा हो जाएगा, तो जो अधूरा फिगर है उसको पूरा करने के लिए ऑप्शन नंबर ए को डालना पड़ेगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि सर्किल को काउंट कीजिए कि कितने सर्किल हैं। सर्किल को काउंट करने के लिए हमेशा देखिए अगर हम बात करें तो त्रिभुज को काउंट कर रहे तो उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि जितने बार कट करते हो त्रिभुज बढ़ते जाते हैं, लेकिन सर्किल वाले में कितना भी सर्किल अगर कट करेंगे तो सर्किल का संख्या ये वाला सर्किल नहीं हो सकता है, सर्किल सिर्फ ये वाला 1 2 3 4, तो उस तरह से आप सर्किल को काउंट कीजिए, सिर्फ बाहर बार वाला को काउंट करेंगे तो 1 1 2 3 4 5 6, ये तो बाहर बाहर है, उसके बाद अंदर का देखते हैं तो 6, ये हुआ 7 8 9 10 11 12 और फिर एक बीच में है ये वाला जो दिख रहा है वो 13, तो आप देख पा रहे होंगे टोटल इसमें कितना है, तो 6 बाहर में, 6 उसके अंदर, 12 और एक सबसे अंदर बीच में, तो इस तरह से 13 टोटल सर्किल है। आप सिंपल काउंट कर सकते हैं, इसमें ट्रायंगल वाला में तो और प्रॉब्लम होता है, इसमें सिर्फ काउंट करने से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन ये है कि ये फिगर जिसमें कटिंग किया है ऐसा कौन सा चार ऑप्शन में है जो ये वाला आकृति सब में मिलना चाहिए, मेरा मतलब कि इसमें से कौन सा ऑप्शन में से सही होगा जो ये वाला पार्ट में जितना भी दिया हुआ है मटेरियल सब मटेरियल इसमें आना चाहिए। अब देख पा रहे होंगे इसमें इसमें अगर बात करें फर्स्ट वाला ऑप्शन को तो हमें ईंट जैसा आकृति नहीं दिख रही है, ईंट जैसा अगर दिख भी रही है तो ये छोटा छोटा वाला तो है नहीं, छोटा छोटा वाला एक वृत्त चाहिए जो कि नहीं है, तो इस तरह से ये नहीं हो सकता है। दूसरा वाला में छोटा छोटा दो बड़े ईंट चाहिए, दो छोटा ईंट चाहिए जो कि है नहीं, इसमें तो दो बड़ा ईंट है एक गोला भी है और एक ही छोटा ईंट है जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें दो ईंट चाहिए, दो बड़े ईंट चाहिए और दो आयताकार
टुकड़ा चाहिए। तो अब ऑप्शन नंबर चौथा को जरा देखिए, दो आयताकार टुकड़ा भी है और दो ईंट बड़ा बड़ा भी है, उसके अंदर छोटा छोटा भी डाला हुआ है और एक वृत्त भी है, तो ऑप्शन नंबर चौथा है। तो ये आप सिर्फ देख कर ही इसको कर सकते हैं, इसको कोई फार्मूला नहीं है, कोई रूल नहीं है। तो आप कितना चीज़ों को जल्दी देख करके कॉल, आपका विजिबल यानी कि आँख का कितना अच्छा पावर है, शक्ति है चीज़ों को ढूंढने का, खोजने का, उस पर ये डिपेंड करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इस 25 रीजनिंग के क्वेश्चंस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, 583 है, 488 है। देखिए ये रेशियो का है कि जो इसका इससे संबंध है वो 293 का निम्न में से किससे संबंध होगा। तो ऐसे सवालों को करने के लिए आपको सिर्फ दो जो रेशियो में दिया रहता है उनमें अच्छा संबंध देखा जाता है। जो इनमें संबंध हो रहा होगा हमें इसका साथ इसी में फाइंड आउट करना होगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन दिखाते हैं कैसे करेंगे। तो ये रहा दोनों रेशियो, 583 है, 488 है। पहले आप एक पार्ट को सॉल्व कीजिए, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे कैसे कैसे हो रहा है। आप क्या कीजिए, फर्स्ट वाले टू लेटर 58 है और इसमें से तीन घटाइए तो बन रहा है 55। इसमें अगर बात करें तो 48 है, 48 में से 8 गया तो 40। अब 55 में से 40 घटाइए तो हो गया 15। अब यही सेम थिंग्स है, अब इसके बाद वाला में भी सेम थिंग्स होना चाहिए। अब इसमें से बोल रहे थे कि 293 के जगह पे कौन सा नंबर रखा जाए जो ऑप्शन में दिया है। तो ऐसे सवालों में हम ऑप्शन को रख रख के चेकआउट कर सकते हैं। तो हमने रखा था तो 487, हमने बारी बारी से रखा तो उसमें नहीं आंसर आया। 487 पे ये दोनों चीज़ें सेम आ जा रही है, 29 में से 3 घटाया 26 और 48 में से 7 घटाया 41 और 26 और 41 का अंतर 15 है। यहाँ पे देख रहे हैं 55 और 40 का अंतर 15 है, उस तरह से 26 और 41 का अंतर 15 आया। तो इस तरह से 487 ऑप्शन सही है, देख लीजिए 487 नंबर ऑप्शन नंबर 2। तो मेरा कहने का मतलब जब भी रेशियो वाले सवाल आया तो ये दोनों में रिलेशन देखा जाता है कि कैसा रिलेशन है, सेम रिलेशन हमें इसमें भी चाहिए होता है। अगर हम बात करें तो अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में करने के लिए ये 25 है और उसका 625 है। तो सवाल देखने में लग रहा होगा कि ये 25 है, ये 625 है, तो 25 का स्क्वायर है, तो उसी तरह से हम 35 का स्क्वायर करेंगे। तो आइए हम 35 का स्क्वायर करते हैं। तो 5 5 25, हाथ में 2, 5 3 15, 2 9 30 और 2 32 के 2, हाथ में 3 3 9 और 2 9 3 12। तो यहाँ पे 12 25 ऑप्शन में ही नहीं है, तब देखिए ये रीजनिंग है। अब 12 25 नहीं है तो अब और कुछ हो रहा होगा इसमें, इसमें तो हो सकता है कि 25 को 25 से गुना कर रहा है तब 625 आ रहा है, तो 35 को भी 25 से गुना किया जाए तो देखते हैं ऑप्शन आता है कि नहीं। तो 35 को अगर 25 से गुना कर दिया जाए तो 5 5 25, हाथ में 2, 5 3 15, 2 17 और 35 2 70, 7 1 875। तो जी हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर 875 है। तो देखिए ऐसे सवालों में क्या किया जाता है कि आप यहाँ तो हम लोग ये दिमाग लगा सकते हैं कि 25 का स्क्वायर करके 625 लाया है, उसी तरह से हमने करा 35 का स्क्वायर तो ऑप्शन में नहीं मिला। तो अब हमने और दिमाग लगाया क्या कि 25 को 25 के साथ गुना किया तो 35 को भी 25 के साथ गुना करेंगे। तो हम यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि ऐसे सवालों में आपको भले लगता है कि ऐसे इसमें हो रहा है इसको भी करेंगे तो वो ऑप्शन में नहीं रहेगा, तो समझिए कि ये नहीं हो सकता है। हम लोग ये नहीं बोल सकते कि सवाल ही गलत है, इसमें कुछ ना कुछ लॉजिकली हो रहा होता है और हमको लॉजिक देखना होता है ऐसे सवालों में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बोल रहा है डिक्शनरी का क्वेश्चन है। आपको 4 दिए हुए रहेंगे, 4 या 5 कितने भी दिए रहेंगे और बोलेंगे कि डिक्शनरी में सबसे पहले कौन आएगा उसके बाद कौन आएगा। तो जी हाँ डिक्शनरी आप पलटे होंगे तो पहले ए आता है और एस के बाद में भी दूसरे लेटर में भी ए ही आता है। तो हम लोग देखेंगे कि ए ए तो सब में शुरुआती है, ए पे हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि डिक्शनरी में कौन मिलेगा। अब दूसरे में चलते हैं तो सब में एम 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 एन है, ए तो पक्का बात हो गया कि सबको देखने पर ये चीजें लास्ट में आएगा, इसलिए लास्ट में आएगा कि पहले एम का काम करेंगे। दूसरे डिजिट पे एम है, दूसरे लेटर पे एम एम है और यहाँ पे एन है, तो ये तो पक्की गारंटी है कि अंत में चौथा ऑप्शन होगा। तो अब हम लोग ये बोल सकते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन में अंतिम में चौथा है। तो अंतिम में चौथा यहाँ है, यहाँ है नहीं, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तो हम लोग चीज़ों को देख करके आराम से आंसर मार सकते हैं, हम लोग सबको देखने का जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। जी हाँ अब हम आपको इतना समझा रहे हैं तो इतनी देरी लग रही है, नहीं तो ये सेकेंडों की क्वेश्चंस है। अब एक नज़र दौड़ाइए डिक्शनरी में कि सब में एम 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 है,
अच्छा सॉरी, हमने इसको एन पढ़ लिया, एम पढ़ लिया, ए एम, लेकिन एक्चुअली में एन है। अब आप खुद समझिए ना कि ए दोनों में, अब ए एन है, आई है आई है, एम है एम है, ए है ए है, एनिमल तक तो ठीक है। अब यहाँ पे एल आएगा पहले कि पहले टी आएगा, ये तीनों पहला दूसरा तीसरा तो ए ए एम एम है, तो ये तीनों तो पहले आएंगे। अब दोनों में एन है तो ये तो पीछे आएगा, अब ये दोनों में सबसे पहले कौन आएगा, तो एनिमा तक तो ठीक है, एनिमा तक तो दोनों में सेम है, लेकिन एल है एगो में टी है, तो सबसे पहले इसमें से कौन आएगा, तो सबसे पहले पांच आएगा, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, तो पहले ये मिलेगा, देन चौथा ऑप्शन मिलेगा, तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर वन ही होगा, तो पहले पांच तब चार, उसके बाद तो ये तीनों तो पहले होना ही होना है। तो हम आपको बताते वक्त इतना देरी लगा है, और चूंकि एक गलती मेरे से हुई, यहाँ पे हमने एम देख लिया, तो सॉरी गाइज वो प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि कैमरे बहुत दूर है, थोड़ी छोटी नज़र आ रही है फोन में, इसलिए वैसी प्रॉब्लम हो रही है, तो इसके लिए सॉरी। तो हम ये बताना चाहेंगे कि इतनी टाइम नहीं लगती है, बस आपको डिक्शनरी में ये फाइंड आउट करना है, अपने दिमाग से काम करना है, चार ऑप्शन को भी देखते रहना है, तब हम जल्दी कर पाते हैं सवाल को। ऑप्शन बिल्कुल देखना नहीं बोलिए, जो भी सवाल कर पा रहे तो ऑप्शन को साथ में नजर दौड़ाते रहिए। जैसे कि नेक्स्ट के पास सवाल में चलते हैं, हमें बोला जा रहा है कि कौन विषम है। अब विषम के लिए हम आपको सबको नंबरिंग करते हैं, एम का 13 है, आई का 9 है, एफ का 6 है, एम है सॉरी यहाँ पे टी है, तो टी का 20 होगा, तो 13 में 7 जोड़ेंगे तब ना 20 होगा, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 13 में 7 जोड़ने पे 20 हो रहा है। अच्छा दो दो लीटर पे चेक करते हैं, इसमें 13 में 7 जोड़ रहे हैं तो 20 हो रहा है। अब यहाँ एस पे 19 है और एल पे 12 है, तो इसमें क्या कर रहे हैं, 7 घटा रहे हैं। अंतिम वाला के छोड़ दीजिए, अभी हम लोग दो दो पे चेक करते हैं। यू है, यू का नंबर होता है 21 और इसमें होता है एन का होता है 14, तो 21 में से 14 घटाएंगे तो बचेगा 7, यहाँ भी घट रहा है। अब यहाँ होता है आर का वैल्यू होता है 18 और यहाँ होता है के का वैल्यू 11, तो 18 में से 11 घटेगा तो 7। तो हम लोग देखें क्या कि पूरा को जरूरत नहीं है, अब दो को किसी को भी लेकर चेक करेंगे तो पता चल जाएगा कि तीनों कौन एक जैसा हो रहा है। तो हम मेरे हिसाब से ये पता चल रहा है कि दूसरा तीसरा चौथा, अब देख पा रहे हैं सब में -7 -7 -7 हो रहा है, लेकिन एक ही ऐसा है जिसमें +7 हो रहा है। अब लास्ट में कुछ भी हो लेकिन शुरू में तो सेम ही है ना, अगर लास्ट में चेक करना चाहते हैं तो लास्ट वाले को लेकर चेक कर सकते हैं या तीनों को लेकर चेक कर सकते हैं। तो सब अपना जल्दी करने का तरीका यही बेस्ट है कि हमें ऑड चुनना है, विषम चुनना है, तो आप कुछ ऐसा बेसिस मिल जाए जो एक में कुछ और हो रहा है बाकी में सब सेम हो रहा है, तो आप चुन सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर एक जो है ऑड है, पहला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 है, 43 है, 81 है, 131 है, और यहाँ पे क्या होगा। तो जी हाँ, सीरीज का क्वेश्चन है, और सीरीज के क्वेश्चन में हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि एसएससी सीएचएसएल हो या सीजीएल हो, चाहे कोई भी एसएससी का पार्ट आप दे रहे एग्जाम, तो एसएससी जो है इसी पे ज्यादा फोकस करता है, क्योंकि ये बहुत बढ़िया बोल सकते हैं कि रीजनिंग का पार्ट है, दिमाग का चेकअप करने के लिए कि आखिर इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है। ये बहुत बढ़िया है चीजों को मैथमेटिकली और सब चीज को लेकर कि आप कितना इसमें दिमाग लगा पाते हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम दिखाते हैं। 17 है, 43 है, 81, 131 है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो हमने लॉजिक ढूंढा पहले क्या किया, इसका अंतर देखा तो 26 आया, इसका 38 आया, इसका 50 आया, इसका 62 आया, फिर उसके बाद का जो अंतर देख रहे हैं सब में 12-12 का अंतर था। तो अब मेरे को पता चला कि अच्छा तो यहाँ भी 12 का अंतर होगा, यहाँ अगर 12 जोड़ेंगे तो यहाँ 62 होगा, और 131 में से 62 जोड़ेंगे तो 193 होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो अंतर है उसका भी अंतर जो आएगा उसका अंतर सेम है, यानी कि ये दोनों का अंतर 26-38 आया, अब ये दोनों का जो अंतर है 12-12-12 आ रहा था, इसलिए इसका राइट आंसर 193 बनेगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर राइट आंसर दूसरा है। नेक्स्ट देख रहे हैं, ये भी मिसिंग कैरेक्टर है, ज्यादा हम हमेशा बोल रहे हैं कि एक सेट में इतने क्वेश्चन मिल रहे हैं मिसिंग कैरेक्टर का, सीरीज का, तो हम ये आपको सजेस्ट करेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए सीरीज के क्वेश्चन को, और नहीं तो सीरीज के क्वेश्चन के साथ साथ आप प्रैक्टिस कीजिए जो भी इसका सीरीज के साथ साथ मिसिंग कैरेक्टर। हाँ दोस्तों, मिसिंग कैरेक्टर बहुत
बढ़िया है, क्योंकि देखिए 14 नंबर भी मिसिंग कैरेक्टर मिल गई, इसके पहले भी मिसिंग कैरेक्टर इसी सेट में मैंने सॉल्व कराया, तो आप देख पा रहे होंगे कि मिसिंग कैरेक्टर और सीरीज का क्वेश्चन बहुत आते हैं सीएचएसएल एग्जाम में। तो चलिए अब इसमें देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे 6 है, 8 है, 4 है, 3 है, 5 में। तो अब इसमें हम लोग को कुछ ऐसा दिमाग लगाना है, या तो चीज़ें ऐसे होती है या तो नीचे की ओर होती है, या तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, यानी कि एक कॉलम वाइज हो सकता है या तो रो वाइज होता है। तो हमेशा इस ऐसे सवालों में रो और कॉलम को देखिए, और हमेशा जो ज़्यादा नंबर है ना उसको थोड़ा सा ये चीज़ें कीजिए, जैसे 51 है, 3 है, 8 है, 6 है, तो कहीं ना कहीं ये छोटा नंबर को मिलाने से ही 51 बन रहा होगा। अब ये छोटा नंबर में हो क्या रहा है, तो चलिए देखते हैं। 8 6 48 और 3 को जोड़ा 51, 15 4 60 और 5 को जोड़ा 65, 20 25 100 और 100 में 20 जोड़ा 120। तो इस तरह से हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट आंसर इसका बनेगा 120। नेक्स्ट देखिए सीरीज का क्वेश्चन। आप देख पा रहे गाइज एकदम एसएससी सीएचएसएल में आप इस बहुत प्रैक्टिस करके जाइए, सीरीज का मिसिंग करेक्टर का फिर से आ गया वही क्वेश्चन सीरीज वाला। अब इसमें देख पा, अब ये अलग बात है कि कुछ सीरीज वाले क्वेश्चन आपको जल्दी समझ में आ जाए, कुछ देर में आ जाए, वो तो निर्भर करता है क्वेश्चन के लेवल पे कि क्वेश्चन आपको किस तरह से दिया जा रहा है और उस क्वेश्चन को आपका दिमाग कितना जल्दी पढ़ पा रहा हो। तो चलिए इसमें देखते हैं, 5 है 11 28 सॉरी 23 है, 47 95 है। तो आपको हम बता देते हैं कि क्या हो रहा है, 5 से 11 5 2 10 में 1 जोड़ रहे हैं तो 11 आ रहा है, 11 में 2 से गुना किया 22 और 1 जोड़ा 23, 23 में 2 से गुना किया 46 और 1 जोड़ा 47, 47 में 2 से गुना किया 94 और 1 95। उसी तरह से आगे भी कर लेंगे और ऑप्शन में देख लेंगे कौन सा ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ईवी सीरीज का ही है। अब यहाँ पे कोई ना कोई अल्फाबेटिकल घुसा दिया है कि अल्फाबेटिकल बीच में है तो क्या होगा, तो यहाँ पे बी ई ए जी है, डी जी सी आई है, पी एफ आई ई के है। अब क्या हो रहा है, तो बी का नंबर 2, डी का नंबर 4, एफ का नंबर 6, तो हम देख रहे हैं कि 2 4 6 हो रहा है, तो यहाँ 8 होना चाहिए, 8 का मतलब एच, तो सब में एच एच है। अच्छा ई नंबर का होता है 5, जी का होता है 7 और आई का होता है 9, तो 5 7 9। उसी तरह से अगला होगा 11, 11 में होता है के, तो अब ये दोनों ऑप्शन आया एच के, दूसरा या चौथा अभी भी हो सकता है कन्फ्यूजन। तो चलिए तीसरा को चेक करते हैं, तो ए है, यहाँ सी है, 1 में 2 जोड़ा 3 और सी के बाद देख रहे हैं यहाँ ई है 5, तो अब क्या आएगा 7, 7 का मतलब जी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हम लोग चेक कर देंगे, चौथा ऑप्शन हो जाएगा। तो गाइज हम ये बताना चाह रहे हैं कि जब भी आप सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं ना, तो आप देखते जाइए खास करके अल्फाबेट में कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन को भी एक नज़र देखते रहिए तो चीज़ें जल्दी सॉल्यूशन हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि एक सेंटेंस दिया हुआ है, बोल रहा है कि किससे किसका प्रयोग से हम लोग नहीं बना सकते हैं, तो इसलिए इसके लिए भी आपकी आंख की शक्ति, आंख की पावर अच्छी होनी चाहिए कि जैसे एफ ए आई एन टी आई एन जी है तो कौन नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पे देख रहे हैं एफ भी है, ए भी है, आई भी है और वही डबल आई भी होना चाहिए, एन भी है, टी भी है, आई भी है, एन भी है, जी भी है, तो जी सॉरी नहीं है, यहाँ पे देख पा रहे हो जी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं बनाया जा सकता है, बाकी को हम चेक ही नहीं करेंगे। ये चेक करना शुरू से, ये तो ऑप्शन से ही चेक करना है कि कौन बनाया जा सकता है कि कौन नहीं बनाया जा सकता है, ये ऑप्शन को देख के ही चेक किया जाता है। तो कौन नहीं बनाया जाएगा, तो ये नहीं बनाया जाएगा क्योंकि जी इसमें आया है और इसमें जी है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहे हैं मीट को लिखा जाता है टीम, एम ई ए टी, देखिए टी ई पीछे से लिखा जा रहा है, ए एम वही नहीं, बेल को लिखा कैसे जाएगा, तो ई के बाद ए, ई ए तब एल बी, तो ई ए एल बी ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो ये तो बहुत इजी था, देखने से पता चल जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्लब में 19 हॉकी खिलाड़ी है। देखिए समझिएगा, टोटल खिलाड़ी 19 है और बोल रहा है कि 14 खिलाड़ी शर्ट में आते हैं और 11 खिलाड़ी पैंट में आते हैं। तो आप इसको वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, हम ये बताना चाह रहे हैं कि टोटल मिलाकर खिलाड़ी 14 खिलाड़ी हैं। अब इस 14 में बोल रहा है, सॉरी 19 खिलाड़ी हैं, 19 खिलाड़ी हैं, अब इस 19 में बोल रहा है कि 14 जो है ड्रेस में आते हैं, ड्रेस में कपड़ा में आते हैं, और 11 जो है, 11 वाले जो लोग हैं वो आते हैं
पैंट में। तो अब सवाल उठता है कि कितने ऐसे लोग हैं जो शर्ट और पैंट दोनों पहन के आ रहे हैं ड्रेस में। तो हम ये बोल रहे हैं कि 19 में है। अब इसमें ऐसे लोगों को छांटना है यानी कि टोटल 19 होना चाहिए लेकिन 14 और 11 को जोड़िए तो 25 आएगा। और 25 तो ऐसे लोग हैं ना जो आधा कपड़ा और आधा पैंट और आधा शर्ट ड्रेस पहन के आ रहे हैं, ड्रेस में आ रहे हैं, और बोल रहे हैं कि टोटल 19 ही हैं। तो अब इसमें से 19 को अगर माइनस करेंगे तो 19 को अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 6 बचेगा यानी कि 25 में से 19 गया तो 6, और यही 6 जो है दोनों में आएंगे। जैसे दिखाते हैं डायग्राम कैसे बनेगा, ये 6 है, ये 8 है और यहाँ 5 है। टोटल खिलाड़ी 814 और 5 19 हो गए। अब ये वाला जो गोला है ये कपड़ा पहन के आते हैं यानी कि शर्ट के लिए है, शर्ट जो है ड्रेस में पहन के आते हैं, और ये जो है पैंट ड्रेस में पहन के आते हैं। तो सवाल उठता है कि कितने ऐसे लोग जो हैं वो शर्ट भी ड्रेस में और पैंट भी ड्रेस पहन के आते हैं, ड्रेस वाला शर्ट पैंट पहन के आते हैं। तो 6 क्योंकि दोनों में 6 कॉमन है, और टोटल जोड़िएगा तो 8 6 14 और 6 5 11 इधर, 14 इधर और टोटल 19। तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 6। तो इस सवाल को कैसे भी समझ सकते हैं, अपने हिसाब से समझ सकते हैं या फिर वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथमेटिकली। तो इसमें बोल रहा है कि प्लस जोड़ के लिए, भाग गुना के लिए है, गुना घटाव के लिए है। तो बोल रहा है कि माइनस जो है जोड़ के लिए है यानी कि जो भी माइनस है यहाँ पे हमको बदल के जोड़ करना है, और भाग जो है गुना के लिए है यानी कि जहां भी गुना है वहां भाग का साइन करना है, और चारों ऑप्शन को चेक करना है कि जो 21 आएगा कि नहीं, 20 आएगा कि नहीं, इस पे 16 आएगा कि नहीं, और ऐसे करने से जो मिलेगा वो राइट आंसर होगा। तो इसको आप मैथमेटिकली सॉल्व भी कर सकते हैं, इसमें तो टाइम लगता है, और इसमें वही लोगों को जल्दी हो सकता है जिसका कैलकुलेशन फास्ट है क्योंकि इसमें सब जोड़ घटाव रहता है। और हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि जैसे यहाँ पे जोड़ को के लिए गुना है, सॉरी यदि माइनस जो है जोड़ के लिए है तो सबको चेक करने के लिए जोड़ की जगह माइनस कीजिए, यहाँ गुना के लिए जगह भागा कर दीजिए, और फटाफट माइंड में ही सॉल्यूशन कर लीजिए और देख लीजिए कि कौन सा ये है गलत है। अब यहाँ बोल रहा है कि किन चिन्हों को बदलने से ये वाला समीकरण सही होगा। अब यहाँ देख रहे हैं 20 भागा माइनस 4 है, गुना 4 प्लस 16 है, हमें 36 लाना है। तो 36 लाने के लिए यहाँ पे ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप खुद समझिए ना कि यहाँ भागा होता तो 4 5 20 कटता, माइनस के जगह पे अगर भागा होता तो 4 5 20 कटता और 5 20 में 16 जोड़ते तो 36 हो जाए, यानी कि भागा को माइनस के साथ रिप्लेस कराया जाए तो भागा और माइनस ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो ऐसे भी सवाल कर सकते हैं हम लोग, तो और नहीं तो फिर चारों ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। इसमें तो टाइम लगेगा लेकिन इसमें वही लोग जल्दी कर पाएंगे जिनका प्रैक्टिस रहेगा, जिनका करने का तरीका पता होगा, ऑप्शन को देखने अच्छे से आते होंगे। तो इन सारी बातों को लेकर आप जल्दी चेकआउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी हाँ, स्टेटमेंट रीजन जो कि सब लोगों को बहुत हार्ड लगता है। तो पहला स्टेटमेंट है संविधान मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करता है। इसको इस तरह के सवाल को, स्टेटमेंट को आप बहुत बढ़िया से पढ़ना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है। सर संविधान मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करता है, और दूसरा में बोला जा रहा है कि संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। ये स्टेटमेंट है और उसके नीचे दो निष्कर्ष दिए हुए रहते हैं, और उस स्टेटमेंट को सही माना जाता है। चाहे स्टेटमेंट में कुछ भी बात लिखा होगा आपको उसको सही मानना ही पड़ेगा, चाहे वो गलत भी लिखा हो, लेकिन अगर जो निष्कर्ष में दिया हुआ बात है, जो निष्कर्ष कंक्लूजन निकलता है वो सही या गलत हो सकता है। मेरा मतलब कि जो स्टेटमेंट दिया है उसको, वो कुछ भी लिख रहा है उसको हमेशा सदा सत्य मानना है, इसको सही मानने पर निष्कर्ष को चेक करना है। जैसे संविधान मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करता है, इसका मतलब ये हुआ कि, अच्छा पहले निष्कर्ष पढ़ लेते हैं। इसमें बोल रहा है संविधान, संसद ने संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया। अब वहां पे देखिए ये चीजें नहीं होना चाहिए, निष्कर्ष कहाँ गलती है। तो संसद में तो संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया जी नहीं, उसके सभा द्वारा शामिल किया गया। मौलिक अधिकार खुद शामिल नहीं हुआ, उसके जो भी सभा होते हैं, सभापति होते हैं वहां के, वो शामिल करते हैं मौलिक अधिकार को। मौलिक अधिकार को शामिल किया गया उनके संविधान में डायरेक्टली नहीं, उनके सभा के द्वारा जो भी वहां पे मौजूद रहते हैं।
और दूसरा बोल रहा है संसद ने मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित नहीं किया है। अब दूसरा बोल रहा है कि संसद ने मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित नहीं किया है और यहाँ बोल रहा है कि सुनिश्चित करता है, ये तो जस्ट अपोजिट है, तो ये तो गलत ही होना है। यानी कि कंक्लूजन वन भी गलत, दो भी गलत। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, केवल वन तो नहीं हो सकता है, केवल टू भी नहीं हो सकता है, दोनों भी नहीं हो सकता, तो इनमें से कोई नहीं सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि मिरर इमेज, अगर इस डाइस का अगर मिरर इमेज देखा जाए तो आप खुद समझिए कि मिरर यहाँ पे रखा हुआ है तो सबसे पहले आपको क्या दिखेगा, तो सबसे पहले तो आपको बी ही दिखेगा, लेकिन बी उल्टे फॉर्म में दिखेगा। जैसे बी है इधर और दर्पण इधर लगाया है, तो इस बी का इमेज कैसे बनाएगा, बी का इमेज बनाएगा ऐसे उल्टा बनेगा, और ए तो सीधा ही बनेगा, तो ये बी का सिंपल ये तो होगा नहीं, ए भी नहीं होगा, ए हो जाएगा, बी इधर से सी और इधर ये, तो ऑप्शन नंबर तीसरा। तो ये मिरर इमेज है, अब आपको देखना पड़ेगा कि कैसे इसका मिरर इमेज बनता है। नेक्स्ट ये है और बोल रहा है इसको देख लीजिए, और थोड़ा सा दूर में इसका ऑप्शन है, तो ऑप्शन तो देखना ही पड़ेगा ऐसे सवालों में। बोल रहा है कि ये जो है किस पार्ट से कटकर मिलेगा, तो ऑप्शन देखिए ऐसा है, ऑप्शन देख लीजिए अच्छे से। अब ए तो हो नहीं सकता है क्योंकि फिर से आप देख लीजिए ऐसे, यहाँ पे यहीं पे मैं बना देता हूँ साइड में, देखिए दोस्त मैं वहां जो दिया हुआ था यहाँ पे बना दिया है ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। तो यहाँ पहले ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, और देन ऐसे दिया हुआ है। अब ये तो ऑप्शन में हो नहीं सकता है, यहाँ पे भी देखिए तो ये वाला पार्ट है नहीं, यहाँ वाला पे देखिए तो ये वाला पार्ट तो मान लिया कि ये है, यहाँ से ये आया, फिर ये इधर से आना चाहिए ना, इधर से आना चाहिए जैसे कि ये दिखा रहा है, तो ये है नहीं, तो ऑप्शन नंबर फोर है। देखिए यहाँ से कैसे मिलेगा इसका कटान बिंदु, कट काट के हम इसी में से निकाल सकते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है एन जो है एम से अधिक है, अधिक बुद्धिमान है, एम वाई से जितना बुद्धिमान नहीं है, और वाई एक्स से, तो आप देखिए यहाँ पे क्या क्या कंक्लूजन बोल रहा है। एन एम से अधिक बुद्धिमान है तो एन ग्रेटर देन एम, और बोल रहा है एम जो है वाई जितना बुद्धिमान नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि वाई ज्यादा है, हम बोलते हैं ना कि एम जो है वाई जितना बुद्धिमान नहीं है, इसका मतलब ये है कि वाई ज्यादा बुद्धिमान है एम से, वाई जितना बुद्धिमान नहीं है इसका मतलब है कि वाई ज्यादा है एम से, और फिर बोल रहा है कि एक्स वाई से अधिक बुद्धिमान है परंतु एन जितना नहीं है, यानी कि एक्स जो है वाई से ज्यादा है लेकिन एन जितना नहीं है, यानी कि एन इससे भी बड़ा है, और तीनों को अगर मिलाएंगे तो आपको बनेगा एन ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन वाई ग्रेटर देन एम। तो आप सबसे बड़ा चुन सकते हैं, सबसे बुद्धिमान कौन है, तो सबसे बुद्धिमान एन है, ग्रेटर और लेस देन, ग्रेटर लेस देन वाला रीजनिंग आप देखे होंगे, यहाँ वेन डायग्राम इसको नहीं बोल सकते, वेन डायग्राम फिगर वाला होता है, तो सबसे बड़ा बुद्धिमान सबसे ज्यादा बुद्धिमान एन है, तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग किए 25 क्वेश्चन का। बिल्कुल दोस्त मेरे साथ जुड़े रहे, CHSL का हर एक पार्ट्स की अलग अलग वीडियोज हर अलग सेट में आपको मिलेगी, जैसे आज लाया रीजनिंग का, नेक्स्ट डे फिर से रीजनिंग का सेट 2 लाऊंगा, फिर 3 लाऊंगा, फिर इसको खत्म करने के बाद फिर जीके जीएस का लाऊंगा, मैथमेटिक्स का लाऊंगा, इंग्लिश का लाऊंगा, तो CHSL की बिल्कुल कंप्लीट तैयारी। बिल्कुल आप मेरे साथ जुड़े रहें, कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे ईमेल आईडी vikashkumar2597@gmail.com पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप मेरे से जुड़ सकते हैं। बाकी थैंक यू।